के बाद मैं ये गई जी, ये वो सीढ़ियाँ हैं, मैं पता, अरे बहुत फास्ट फास्ट चल गया, दोबारा से वो चल जाएंगे जी। हाँ वो सीढ़ियाँ हैं जहाँ से रेहाम और सब लोग आए, ये वो डाइनिंग रूम है, ये वो टेबल है, ये वो जगह है जहाँ सारे वो पढ़ रहे थे। What were you doing here? I was there. How? I was there. No, पहुंच गई, मैंने कहा उस जगह जाऊँ जहाँ जो है मूसा का ये इंतकाल हुआ है कैरेक्टर का, यहाँ जनाजा पड़ा था, यहाँ से भाग के रेहाम आई और इधर ही इसी जगह पे था, इधर ही नुमान इजाज बैठे थे, उधर अभी आए, ये देखो मुझे देखो, मेरी फीलिंग्स देखो, अभी जहाँ मासूमा खड़ी थी यहाँ मनुस, इधर वो खड़ी थी, यहाँ मोमल खड़ी थी, ये देख इधर बिल्कुल राइट हियर, इधर मासूमा खड़ी थी। और मैंने कहा मनुस तो वहाँ भी आ गई। और ये सीढ़ियाँ फिर से मैं बता दूँ, यहाँ से जिसमें मूसा जो लास्ट सीन था जिसमें वो मेकअप के साथ नीचे आया और फिर चला गया ऊपर, जबरदस्त मेकअप था। और तो नादिया आप इतनी तैयारी के साथ गई वहाँ पे, तो कोई मिला ही नहीं, खाली था घर। ये छोड़े जो अजीब बात हुई है, मैं शूट पे थी, शूटिंग कर रही हूँ ड्रामे की और एपिसोड देख रही हूँ, बीच में ब्रेक आ गया, मैंने ये एपिसोड देखा और जहाँ ये एपिसोड शूट हुआ, जहाँ उसने गोली मारी, जहाँ वो मतलब उसके बाद सारा जो हो रहा था, मैं उसी घर में मौजूद थी। फिर आपने कहा ये मैं तस्वीरें खींच रही हूँ, नहीं खौफनाक कितना है कि आई जस्ट रियलाइज, मैंने ऐसे देखा ये तो मैं वही हूँ। मैं तो डर ही गई ना, क्योंकि एक अलग से आपको एक खौफ आता है, मैं रो भी रही थी, अपसेट भी थी, सब लोग रो रहे थे एपिसोड देख के, और मैंने कहा मैं तो उधर ही हूँ, ये क्या हो रहा है। और फिर वो गार्डन में भी मैंने सीन किया, तो मेरे लिए तो अजीब सरप्राइज था कि मैंने एपिसोड देखा ही, आई वाज शूटिंग देयर एंड वाचिंग द सेम ड्रामा, मैं वो ही किस देख रही हूँ अपने फोन पे और वही शूटिंग कर रही हूँ उस घर में, लो कर लो बात। कितना अजीब कोइंसिडेंस था और बड़ा अजीब अजीब भी बात थी। हाँ फिर मैं ऐसे ऐसे करके देता हूँ, मैं इमीडिएटली उसका फायदा उठाऊँ। हाँ मैंने तस्वीरें ली, इसने तो मुकर्रम ने कहा रिपोर्ट बना दे आना पूरी, मैंने कहा हाई टू मच, हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट वहाँ मौजूद है, क्या हुआ यहाँ पे। मैंने कहा नहीं भाई तस्वीरें ले लूँ, क्योंकि मैं बहुत ही इमोशनल हुई भी थी। तो ये एपिसोड, हाँ लाइक आई सेड कि मैं आज एपिसोड मिस कर रही थी, लेकिन मुझे लगा कि इतनी बड़ी बात हुई है, बिस्मिल को हम कब से फॉलो कर रहे हैं और अनफॉलो हमने कभी भी नहीं किया, और ये मोमेंट ऐसा है कि इस पर मैं बात ना करूं तो ये गलत हो जाएगा। आई हैव टू बी हियर, मैं नीचे से कह बेटा तुम बैठो मैं भी आ रही हूं। तो इसलिए आई हैड टू टॉक अबाउट दिस कि ये बहुत ही लास्ट वीक की मेरा मूड बन गया था, रोना शुरू हो गया था, आप लोगों को तो अभी रोए ना, मैं एक हफ्ते पहले से रो रही हूं, तो मैं बहुत इमोशनल हो गई थी एंड आई कुड फील द स्ट्रेस द टेंशन बिल्डिंग अप, तो वो मैंने बहुत फील किया। और उसके बाद लेकिन जो अभी हुआ ना, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि राइटर डायरेक्टर हमें यहाँ ले जाएंगे कि मूसा जो कि हमेशा मैं मुझे बल्कि चिढ़ होती थी, हर वक्त धमकियाँ ही देता रहता है, मोमल को धमकी, बाप को धमकी, हर एक को धमकियाँ दे रहा है, लेकिन वो धमकी सही हो गई, सच हो गई, उसने अपनी जान ही ले ली भाई। अच्छा यहाँ भी बड़ी डिबेट चल रही है ना, इस वक्त कुछ लोगों का था बिल्कुल देखिए आप खुदकुशी को प्रमोट ना करें, बात नहीं करनी चाहिए, बड़ा गलत हुआ, गलत दिखाया, कुछ लोग ये कह रहे हैं, लोग कह रहे नहीं होता ऐसे। और मैं फुली यहाँ मूसा को डिफेंड करूँगी, इसलिए क्योंकि इमोशनल ट्रॉमा बहुत बड़ी चीज़ है, एक बात। दूसरी बात ये, मैं मुकर्रम अतीका जी मरीना जी आप हज़ारों लोग सब डिफरेंट हैं, मुझे कौन सी चीज़ कितना हिट करे और ज़िंदगी में कब करे, मेरा कब एक ब्रेकिंग पॉइंट आ जाए, कब मेरा नर्वस ब्रेकडाउन हो जाए, मैं कब, आपके लिए शायद वो बड़ी चीज़ ना हो, मेरे लिए वो किस तरह मुझे हिट करे कि इतना बड़ा आप कदम उठा लें जब आप अपने सेंसेस में ही ना हो, किसी के साथ भी हो सकता है, इसमें कोई मैसेज की बात नहीं, कुछ इस तरह की बात नहीं, ये कहानी है, स्टोरी है जो कि हैपेंड, दिस हैपेंस, और एक लड़का जवान प्यारा अमीर बच्चा पढ़ा लिखा कर सकता है, क्यों, क्योंकि वो सेंसिटिव था। और ये बोला मोमल ने बोला कि वो बहुत सेंसिटिव था, वो हसास था, और उसकी एक लाइन जो कि जस्टिफाई करती है इसको कि दो लोग जिनसे मुझे ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा मोहब्बत थी, दोनों ने मेरा दिल तोड़ दिया, ज़ख़म हो तो मैं मरहम लगा लूँ, कुछ कर लूँ, टूटे हुए दिल को कैसे जोड़ूँ, आखिरी जुमले थे ये मूसा के। और रात को उसको बताती है उसके लव ऑफ द लाइफ कि कुछ नहीं हो तुम अपने बाप के नाम के बगैर, उसका बाप कहता है, ये इसको बेक करता है कि नहीं यार हम एडल्ट्स हैं, अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं, मैं तुम्हें अच्छी लाइफ दूंगा, उसने कहा नहीं तुम्हारा दिमाग ख़राब है। वहाँ से जो उसको रिजेक्शन मिली ना, पहले बाप की रिजेक्शन, बाप का धक्का, गिरबान पकड़ना, थप्पड़ मारना, अब अपनी
लाइफ पार्टनर जिसमें इतना उसको फेथ था, जिसने कहा था मैं साथ दूंगी तुम्हारा, आई लव यू एंड एवरीथिंग, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, उसको फ़र्क पड़ गया और बिल्कुल शादी वाले दिन पे इतनी अजियत और बेइज्जती माँ की और उसकी, वो जो रिजेक्शन मिली है ना, डबल रिजेक्शन होगी। अब ऐसे में जब इंसान पहले ही टूटा हुआ और उसके लिए जो कैटलिस्ट, जो फिर फाइनल ब्लो था, वो ये था लॉजी हमारे घर तो बाप अब मासूमा को ही लेके आया। जब उसने उसको देखा है ना, ऑलरेडी सारी रात का रोया हुआ ट्रॉमा में, जब उसने शक्ल देखी मासूमा की अपने घर में सुबह के वक्त, दैट्स इट, ब्रोक डाउन, नथिंग टू लिव। गुड परफॉर्मेंस, उनकी लाइन से बहुत अच्छी थी कि भी मैं बेटी का बाप हूँ शुरू में कह रहे हैं, और उसके बाद फिर यहाँ इतना सख्त रिएक्शन, लेकिन फिर आगे उसकी वजह ना बनती खुदकुशी करने की, तो इसलिए ये खोना था, चाहे हमें कितना भी अजीब लगे, लेकिन वो ड्रामा हुआ ताकि आगे उसका दिल टूटे और वो वैसे रिएक्ट करे, वरना वो क्यों खुदकुशी करता है, फिर ड्रामा राइटर कैसे लेके जाता वहाँ। उन्होंने सोचा हुआ था कि हमने इसको मारना है तो मारने के लिए यहाँ से भी चोट लगे, वहाँ से भी चोट लगे, क्योंकि इससे पहले डायरेक्टली शादी पे अगर वो अपने आप को शूट करता तो वो एकदम एक उसमें आपको मूसा से हमदर्दी ना इतनी होती, ये होता है यार इम्पल्सिव है, बेवकूफ़ है, जज्बाती है, लेकिन ये जब दोनों तरफ से चोट पड़ी, दैट काइंड ऑफ थोड़ा सा हमें समझ आती है कि यस ही वॉज ब्रोकन, ही वॉज नॉट मेंटली स्टेबल, ठीक नहीं था वो। जैसे वही था ना कि यहाँ उन्होंने वो पॉइंट सोचे थे यहाँ पर लेके जाने, लेकिन हाँ। जो रास्ता अपनाया गया वहाँ मुझे थोड़े फ्लॉज लग रहे थे कि वहाँ पे ज़्यादा कन्विंसिंग होना चाहिए था कि सिचुएशन हुई क्या, और क्या सिचुएशन हो सकती थी, होनी यही थी कि बिल्डअप तो था, काफी हाँ। अच्छे से बिल्डअप था, लेकिन उन्होंने सही कहा ना कि तुमने हमें कॉन्फिडेंस में क्यों नहीं रखा और तुम्हारी कोई शख्सियत नहीं है टीटी के बगैर, छुपा के रखा है हमसे, छुपाया। मेन इशू ये भी था कि उसे झूठ बोला हुआ था द पेरेंट्स से कि ही इज लाइंग टू यू नाउ, हाइडिंग नाउ, तो आगे क्या करेगा दूसरी फैमिली के लिए कहता है, लेकिन इसको अपनी भी फैमिली के लिए कहना चाहिए कि जो ठीक हो सकता था इन लोगों ने मिल के खराब कर दिया। बात सही थी कि जो हो सकता था ठीक, जब कहने के हुआ क्या, क्यों उसने ऐसे किया, मिल के खराब किया, लेकिन उसमें आपका भी बहुत हाथ था, सीधी बात है मोमल के अब्बा, कमी आपने भी नहीं छोड़ी। और हाँ, ऐसे रिएक्ट नहीं, क्योंकि हमें तो एज अ व्यूअर ही होता ना यार, इसकी भी गलती है, इसका इस और वाकई गलती है, उसकी भी गलती है, उस लड़की की भी गलती है कि जब पता था एक सेंसिटिव आदमी है तो आराम से उसको संभालो। अब इतनी सडन मुझे गोली की आवाज़ थी, वो ऐसी आई कि मैं भी ऐसे हो गई ना, उसमें हिल के रह गई। नुमान का तो क्या रिएक्शन था, नुमान इजाज़ का, टीटी का, मैं भी ऐसे हिल गई कि यार ये क्या हुआ, आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस, क्योंकि मैं कहीं ये तो नहीं हो सकता भाई, मूसा तो ठीक है हमारा, ये कहीं नहीं जाएगा। और उसके बाद जो देखना चाह रहे हैं टीटी का रिएक्शन ही है, क्योंकि अभी तक वो नहीं आया पूरा, वो अभी बिल्कुल नम, सुन मेरे दिल हुआ हुआ है, वो सुन हो गया, तो उसका रिएक्शन अभी आई एम वेटिंग के नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगा। अरे हम तो ख़त्म है बिल्कुल। मोमल का भी, मोमल की बहुत अच्छी एक्टिंग, बहुत ज़बरदस्त रिएक्शन, सीन्स भी उसके बच्ची के ज़्यादा थे, लेकिन जो सरप्राइजिंग था वो था मासूमा। मासूमा क्योंकि पहले तो कर रही थी डांस, जब टीटी सो रहा था तो उसने तो खूब शोल्डर डांस करके मज़े का बहुत क्यूट एक जेस्चर दिया कि ये तो गया, गेम मेरे हाथ में है। लेकिन उसके बाद मैं आई थॉट कि शायद ये खुश होगी कि मेरा, मैंने बदला ले लिया, जान के बंदे जीन जीन्स का भी तो वो जीन तो ले ली, मैं समझती थी कि शायद ये होगी कि बिल्कुल सही हुआ, नहीं। उसके बाद वो घर गई है और जैसे वो बेहोश हुई है और जैसे उसको ये ट्रॉमा हिट लगा है उसको वो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। अगेन तो राइटर ने बहुत इस दफ़ा हैरान चौंकाया है हमें, क्योंकि हम एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे। उसका बेहोश होना, उसका कोलैप्स होना, मीन्स कि ये वो ये नहीं चाहती थी, और उसको ये हिट किया और उसको अब लग रहा है कि यार टीटी तो गया। ये थोड़ा सा सरप्राइज है, तो आगे मैं देखना चाह रही हूँ कि मासूमा का रिएक्शन क्या होगा, टीटी का क्या रिएक्शन होगा। बहुत बड़ी बात हुई है, छोटी बात नहीं, हमारा हीरो चला गया जो हम सबको बहुत प्यारा लगता था, एंड साथ प्लेड इट ब्यूटिफुली। प्रॉब्लम कहाँ आई, बुलेट चली। अच्छा, उससे पहले सीढ़ियों से आते हुए सारी रात रोता रहा, तो जब रोने का दिखाते हैं तो वहाँ मेकअप आर्टिस्ट का चैलेंज शुरू हो जाता है कि रोती हुई आँखें दिखानी है। ये रोती हुई आंखें दिखाना, एक बंदा, एक मर्द अगर रात को रो रहा है, सुबह उसका मुंह कैसा होगा, उसकी लिपस्टिक आ जाएगी,
उसकी आंखों के नीचे आईशैडो आ जाएगा इतना नहीं. ही लुक्ड लाइक ही हैड सो मच मेकअप ऑन. नो बट व्हाई डिड ही नीड मेकअप एट ऑल. दे वर ट्राइंग टू शो हिम एज ही हैड बीन क्राइंग ऑल नाइट. बस वो कहा होगा ना, बैकफायर. डायरेक्टर ने कहा होगा कि हमें, हमारा भी होता है मेकअप आर्टिस्ट कहते हैं यार रोई हुई आंखें बना दो. हाँ. तो आप बस रो लो. हाँ. ग्लिसरीन लगा ये तरीका, दैट्स द वे. या हल्का सा कुछ. लेकिन लड़कों में आपको शेड लगाना, लिपस्टिक लगाना, जिसका भी ये आइडिया था. लेकिन इससे लिपस्टिक पहले तो कभी नहीं लगाई. बस वो शेड लगाया, बहुत बुरा लग रहा था. क्योंकि जब वो आया, वो एक बड़ा सीरियस सीन था कि ये सीढ़ियों से आया है और अब उसने मरना है. अगले सीन में इसने अपने आप को गोली मार देनी है. ये इतना सीरियस. और वो आया और सब हंस पड़े. सीढ़ियों से आया मूसा, सब हंस रहे. इतना मेकअप. सबके जहन में यही था. मीम्स बनी, वीडियोज़ बनी. ये एक डायरेक्टर साहब, ये क्या हुआ? ये होना नहीं चाहिए था. या आप कलर से इसको बिल्कुल डल कर देते, ब्लैक एंड वाइट करते, दोबारा रीशूट करते. क्योंकि ये कभी मैं कभी तुम के बाद सबसे बड़ा हिट है. बिस्मिल सब देख रहे हैं. तो आप उसमें रीशूट भी कर सकते हैं कि अब ये इस मोमेंट पे चलना है यार, साथ कुछ ये दोबारा करें हम एक्टर्स के साथ, व्हाटएवर. या कलर उसको ठीक करते. ये गड़बड़ हुई. नंबर टू, रेहाम ने देखा बेटे को, उसकी लाश देखी. रेहाम बेहोश हो गई. एक तो हमेशा सोफ़ा या कुछ होता है, जब हम गिरते हैं तो बेड या सोफ़ा होता है हमारे कंफर्ट के लिए. गिर गई. इतना अभी ना यहाँ है सीन. दर दर तर 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 दिल ऐसे हमारा हो रहा है. तर 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 अगला सीन आया उसके बेडरूम का. रेहाम लेटी हुई है, डॉक्टर बैठी हुई है. मुझे समझ नहीं आता, जब आप इतना बड़ा कुछ हुआ है तो आप उसको एक छोटा सा ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो गया, अब ठीक है, अब नॉर्मल है, अब तो दो और झटके भी दे दो उसको, कर लेगी बर्दाश्त. कोई मसला नहीं है. किसी और को मारना है मार दें, टीटी को मार दें. अब शी इज फाइन, शी कैन टेक इट. इतना बुरा था. मतलब आपके अभी उसके बच्चे की डेथ हुई है, ये इसको उधर होना चाहिए. या तो होश में आ जाती, या ये कि डॉक्टर कहता भी बहुत बुरी हालत है, हॉस्पिटल ले जाए. नहीं 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 नहीं, क्यों, कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे हाँ ठीक है, आप इसको नीचे ले जाएं. और ये कि हाँ बाद में ना, एक हफ्ते बाद क्लिनिक दिखा दीजिएगा हमें. क्या सीन है भाई. यहाँ तो हम ऐसे बैठे हुए हैं और हमें उठा के ऐसे गिरा दिया डायरेक्टर ने ना. चलो भाई रिलैक्स करो. बिल्डअप करके जलील कर कुछ भी. इतना वो उस सीन ने डैमेज किया सिचुएशन को. क्योंकि उसके बाद फिर उसका होश में आना जाना, नीचे चीखना, ये सीन नहीं होना चाहिए. ये सीन होना ही नहीं सिरे से होना चाहिए था कि जी डॉक्टर आइए. डॉक्टर ने कहा बड़ी बात नहीं है, हल्की सी बेहोशी है, ठीक हो जाएगी. जरा आप सुंगाए रेहाम होश में आ जाएगी. तो ये इतना लाइट था. ऐसा लाइट नहीं था मोमेंट. ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी. बहुत सीरियस बात थी. इसने डैमेज किया. उसके बाद आई वॉज एक्सपेक्टिंग जब वो बॉडी आई, थोड़ा फास्ट वो नीचे भागती भी आई. उसने फूल भी तोड़े, उसने ये भी देखा, हल्का भी चला. ज़्यादा होना चाहिए. I was just expecting exactly, more. That's what I was thinking. और फिर क्या होता है जब ऐसे सीन्स आते हैं तो अक्सर डायरेक्टर कभी कहते हैं कि, और बात भी है कि भाई यार आप जो दिल में आए बोल दें, आपने पूरा ड्रामा जिया है, जो आए बोल दो. क्या ये सही है या ये क्या पक्की लाइन्स दें ऐसे ट्रामा के टाइम पे? क्योंकि जो पहली लाइन आई ना रेहाम की, वही ख़राब आई. क्योंकि मैं अब मुझे लाइन सोचनी है, बनानी है. हल्की सी लाइन आई उसके बाद. फिर चलो अब अच्छा दुबई, हम दुबई चलेंगे, हम कल ही चलेंगे. रेहाम के वहाँ वो डायलॉग्स नहीं आए जो एक माँ के, जिसके लगते जिगर ने खुदकुशी की है, इकलौते बच्चे ने, ख़त्म हो गई, बर्बाद हो गई, मर गई. लाइंस बहुत हल्की थी उसके बाद. तुम्हारा बाप आ गया तुम्हें लेने. हाँ बाप आ गया, हम दुबई चलेंगे. मैं एग्जैक्टली बात चीज सोच रहा था. और मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ. जब मैं क्राइम शो करता था तो 5 ईयर्स मैंने उन घरों में गया हूँ जहाँ मैयत होती थी. क्योंकि मर्डर, मिनिमम 2 मर्डर स्टोरीज एवरी वीक आई हैव टू कवर. और मैंने उन माओं की कंडीशन देखी है जिनके जवान बेटे जाते हैं. वो ऐसी नहीं होती. मैंने उसकी करीब तरीन जो आज तक मिसाल देखी ना, जैसे मैंने जो सबा फैसल की खई में नहीं थी हालत हुई हुई, या उज़्मा हसन की वो वाली हालत हुई हुई होती माओ की. वो तो मैं सोचा था ये भी आएगी तो टीटी का गरेबान पकड़ेगी, उसको थप्पड़ मारेगी, उसके बाद मासूमा पे कुछ हमला करेगी कि मेरा बेटा. बिल्कुल रेफरेंस के लिए आप वुल्वरीन उज़्मा की एक्टिंग देखें खई में, जब उसका बच्चा मरता है कैसे रोइए कि आपका खून जो है ना ऐसे ऐसे सूख जाता है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं. मौजूद है जिसकी वजह से वो मरी है. वो तो मासूमा तो एक्चुअली टीटी कातिल है उसके. वो उस बच्चे के ट्रॉमा को उधर तक ले गए. उस अकलौता बेटा है जो माँ से इतनी मोहब्बत करता है कि वो, और माँ की कितनी मोहब्बत होगी. वो सारा इट्स लाइक वहाँ पे तो ये एक्टर्स रुला देते सबको कि मतलब
और वो मुझे नॉर्मल बिल्कुल, मतलब आपका टीटी बैठा हुआ है लेकिन मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि इसको किस हद तक दुख है, टीटी का दुख कितना है नहीं समझ आ। जब बेटे को बड़ा हुआ उस वक्त आप ये पकड़ के यूं यूं नहीं करते, आप एम्बुलेंस बुलाओ, ये बुलाओ, बिल्कुल ये वाला जोन होता है, ये कौन करता है कि ये तो बहुत ही कोई मतलब ही वाज जस्ट लाइक ऐसे बस ठीक का दुख था उसको। हाँ। लेकिन क्योंकि हुआ उसकी वजह से है, उसको शॉक, उसने तो सोचा बेटा इकलौता बेटा मर गया है, उसने आपको मार दिया। हाँ। रिएक्शन कहाँ था, इट वाज शॉर्ट वीक, परफॉर्मेंसेस वीक, बहुत बड़ी मोमेंट थी उस वक्त, उस रेफरेंसेस देने चाहिए थे आर्टिस्ट। हाँ। को कि जी मुझे सीन की और खई क्या एक रेफरेंस है, आप मुझे ये फील चाहिए, मुझे ये फेस चाहिए, मुझे ये मूड चाहिए, वो नहीं था जो आई थिंक जो मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि मैं ऐसे इमोशंस मेरे हाई गए हुए बच्चे की डेथ पे, रेहाम टीटी क्या, उन लाइंस की जरूरत ही नहीं थी, वो तो बस आके बस तुम यहाँ क्या कर रही हो, चली जाओ। हाँ। उसको मोमो को सुनानी चाहिए थी कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुमने कल जो मेरे बेटे के साथ किया है। हाँ। अब आ गई हो, तुमने कल इसको रिजेक्ट किया, अब आप तो अफसोस करने के स्थान हैं। सबको ब्लेम करती, इतने अच्छी लाइन और लाइनें लिखी भी होनी चाहिए थी। अगर आपको लगता है कि ऐसा सीन इम्प्रोवाइज होना चाहिए, नो नो नहीं, इम्प्रोवाइज सिर्फ तब हो सकता है कि आप यू आर सो श्योर दैट द एक्टर इज गोइंग टू से द राइट, बट इसके लिए तो राइटर लिखे, ऐसा लिखे, क्योंकि जब वो लिखेगा या लिखेगी तो कमाल है, उसका इम्तिहान है और बहुत पावरफुल लाइंस लिखती है। इफ यू रिमेंबर कई के जो राइटर रहते हैं हमारे सेट पे, उन्होंने कहा था कि मैंने एक रात एक ऐसी लिखी थी कि मैं एक हफ्ते तक हॉन्ट रहा था। ये राइटर जब खुद हॉन्ट होते लिखते हुए ना कि मैंने कुछ ऐसा लिख दिया है, तो ये वो मोमेंट थी जहाँ पे राइटर को खुद भी उस लेवल पे जाके शुजा को अगले दिन उन्होंने मारना था। सही बात है, यहाँ स्क्रिप्ट नहीं था, लाइनें नहीं दी रहे हमको कि ये बोलना है तुमने, क्योंकि वो बोलती तो वो बहुत अच्छा लिखा हुआ होता, जैसी वो आई है वो बैठी है तो मुझे बिल्कुल एज एन एक्टर लगा कि अब ये लाइन बना रही है कि मुझे क्या कहना है, क्योंकि आप लाइनें जब बनाने लग जाते हैं परफॉर्मेंस निकल जाती है, और ये इतने बड़े सीन में ऐसे नहीं हो सकता, तो वहाँ तो डायरेक्शन के नंबर, जिस तरह सोचा जैसा समझा वैसा नहीं बना। फिर एक और सीन था जो इससे पहले वाले एपिसोड में था, जब बारात वापस चली जाती है, उसमें एक सीन आया सडनली मेड स्लोमो में भागती हुई आ रही और उसने दरवाज़ा सिर्फ खोलना था और वो अंदर आ गई। उसमें मेड का स्लोमो का क्या मतलब था कि मेड क्यों भाग के स्लो मोशन में आ रही है, उसने सिर्फ दरवाजा खोलना था जो उसका काम है, और पहले रेहाम आई है उसके बाद भी मामू का भी स्लो मोशन दिखा, हां सब स्लो मोशन में आए अंदर, तो भी मेड का स्लो मोशन क्या था, इस सीन का स्लो मोशन मुझे समझ नहीं आया। या तो वो होता कि वो एंटर हो रहा है अपने घर में, मेड को दिखाया, मैं कि ये क्यों भाग रही है स्लो मोशन, इसको क्या हुआ है, तो ना मुझे वो रिएक्शन, वो सीन, वो फील नहीं मिली इन बिस्मिल। या जगह थी जहाँ पे हो सकता था, इन्होंने उसको उस तरह से नहीं किया। नंबर्स क्योंकि देखिए एक शॉक, एक सडन, एक होता है डेथ, बीमार है मर गया, जिस तरह वो बच्चा गया है उसमें तो माँ का पागल होना, बाप का उसको, बाप को उसको भी इसको गिरेबान पकड़ के मरना चाहिए था, इतना कुछ हो सकता था, नहीं हुआ। अब पता नहीं कब होगा, कब के लिए रखा। अब आई डोंट नो कब इतने हैवी सीन आएंगे, क्या करेगी बच्ची। एंड आई वॉज वेरी इम्प्रेस्ड, बहुत अच्छा रोई है, डिफरेंट रोई है, प्यारा रोई है, फीलिंग्स, क्योंकि जब वो था मैंने कहा इसको पता चलेगा यहाँ यार इसका बड़ी मुश्किल हो जाएगा, बड़ा टफ सीन आने वाला है, क्या करेगी, बहुत अच्छा उसने संभाला, नहीं होना चाहिए था ये, नहीं होना चाहिए था, बड़ा गलत हुआ ये, वहाँ उसकी लाइंस, रोना, जब उसे इतला भी मिलती है जिस तरह से वो अपने पेरेंट्स के साथ बात करती है, गुड जॉब। तो यहाँ ये बच्ची में खल कुछ और प्रोजेक्ट्स करेगी तो ये बहुत आगे जाएगी, शी हैज़ इट इन हर, शी इज़ अ गुड एक्टर, जो शुरू में किसी एपिसोड में मुझे इतना नहीं कन्विंस किया, लेकिन अब यहाँ आ गया मार्जिन मिला, इधर जब आया सीन भी तो आए ना, तो और बहुत मुश्किल सीन आए और बहुत लंबे लंबे सीन्स थे जो सारे मोमल के थे, इसके फादर के साथ थे, माँ के साथ थे, पूरे पूरे सीन क्यों हुआ, नहीं होना चाहिए था, फिर वहाँ बाप कहते हैं मैंने पहले बताया नहीं था, लेकिन ये किस इसको मैंने रेस्टोरेंट में देखा था और कह रहे हैं लोग कि इनकी इसकी बीवी है। ना जुलानी का भी बहुत अच्छा काम था, तो रेहाम का मुझे मज़ा नहीं आया, इसलिए कि वो अच्छी तरह शूट नहीं हुआ, उसमें सवेरा का कोई कसूर नहीं, क्योंकि सवेरा कमाल एक्टर है, लेकिन आप उसको एग्जैक्टली बताएं वो आई थिंक मोर देन हर उसके एक्सप्रेशंस एंड एक्टिंग, ट्रीटमेंट अच्छी नहीं हुई जिसने सीन को गिराया, जैसे वो बेहोशी का सीन इररेलेवेंट, कोई ज़रूरत नहीं थी, और डॉक्टर का इतना नॉर्मल सा रिएक्शन, और सीढ़ियों से उतरते हुए इसके फूल तोड़ना इस स्पीड में, स्लो था क्योंकि अब ये बहुत बड़ी बड़ी बात थी भाई, वो आई हुई है उसकी बॉडी, आप उसमें बैठ के आप उसे
फूल अगर खींचेंगे भी तो बस तेजी से होगा, बहुत फास्ट होगा, उसको नीचे जाना है, उसको फौरन जाना है बच्चे के पास। तो ये स्लो क्यों होगा? आपका बेटा उस कमरे में रहा जहाँ पे आपके बेटे की सेज सजीवी है, उधर यू कैन क्रिएट सो मच ड्रामा। एक माँ और वो चीखे मारे देख के, ये मुझे कोमल का गम फील हुआ यहाँ वो कमरे में आई। वहाँ पे तो डायरेक्टर कहता कि नहीं सवेरा जी लिखा हुआ भी है कि बेहोश होगी, नहीं बेहोश होना, मुझे आप ये सीन बनाएं, इसको करें, कोरियोग्राफ करें, और ऐसे आके आप ऐसे ऐसे नहीं करेंगे इसको जो नुमान मैं डायरेक्टर थे, मैं तो कहती सर मारो दीवार के साथ, इतना मारो कि ये हो क्या, तुम्हारे लिए जीने को कुछ नहीं है। बच्चा इस पहुंचा स्टेज पे, उसके बाद अल्लाह माफी अपने बच्चे की ऐसे देखना, इकलौते बच्चे की, उसके बाद बातचीत, भागना सीढ़ियाँ, बेहोश, वेस्ट ऑफ टाइम, सर मारो दीवार के साथ, और माँ और पकड़ के उस हर शख्स को चीर दो उनको जिसने तुम्हारे बच्चे के को यहाँ पहुँचाया, जिसकी वजह से तुम्हारा बच्चे ने अपनी खुद जान ली, मरा नहीं वो कुदरती तौर पे, उसने अपनी जान ले ली क्योंकि इतनी तकलीफ दी उसको उसके बाप ने, उसकी मंगेतर ने, उसके घर वालों ने, इस ज़माने ने, कोई कसूर नहीं था उसका, सिर्फ माँ के साथ खड़ा था वो बच्चा, बस बाप से प्यार करता था, मर गया। तो इतनी सिचुएशन सुनने में इंटेंस है, बट परफॉर्मेंस देखने में नहीं आई इंटेंस, ट्रीट अच्छा नहीं और हुआ। मूवमेंट वहाँ पे उसकी भी क्रिएट होती है जो करने की कोशिश की थी मूमल, जब आके उस कमरे को देखती है, जो कमरा उसका होना था, उसका वो बड़ा एक बनता, वो एक बड़े आइकॉनिक सीन बन जाता है, ये किया था, देयर वाज अ सीन, फिर उसको देखना, और मुझे लग रहा है जिस तरह वो शूट जहाँ वो हुआ, जहाँ वो मुझे लगता है फ्रेम में बॉडी भी होनी चाहिए थी, मूसा को भी दिखाते, टीटी को भी दिखाते, सवेरा वहाँ गिरती, जमीन पर गिरती, फ्लैट गिरती, ये नहीं कि क्योंकि वो उस वो भी मार देता है, जैसे आप बेड पे गिरे, सोफे पे गिरे, ख़त्म, लगता है आप कम कुशन लेके कंफर्ट के साथ गिरे हैं, प्लान करके गिरे हैं, ना तो वो भी सही नहीं शूट हुआ, और उस फ्रेम में होना चाहिए था, मूसा को दिखाना चाहिए था। तो इसलिए परफॉर्मेंस तो तब मैं नंबर दूँ जब मुझे इम्पैक्ट पड़ता, इम्पैक्ट वो नहीं था जो हम समझ रहे थे, जो होना चाहिए था, तो यहाँ भी अनफॉर्चुनेटली फाइव। अधिका जी, एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सवेरा'स एक्टिंग, नो, दिस वाज क्या नाम था, रेहाम्स परफॉर्मेंस, रेहाम को जिस तरह उन्होंने इन एपिसोड्स में दिखाया, कहने का मतलब पता है क्या है, नहीं सवेरा इज एन एक्टर, सवेरा इज अनबिलीवेबल, सवेरा इज अमेजिंग, लेकिन इधर अच्छा करवा, समझ रहे हैं ना, जिस तरह वो करना चाहिए था, जैसे एग्जीक्यूट हुआ, जैसे उससे करवाया, जो एक्सपेक्टेशंस थी कि यहां पर ये ड्रामा इधर तक ले गया ना, अब आगे ये होगा, ये वो होता नहीं होता। ये कहती बंद करो शूटिंग, रोको, अच्छा। शूटिंग रोको, दोबारा ये सीन सही करके लिखना है।